नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। राजस्थान के सिरोही जिला के अंदर एक करप्शन का बड़ा मामला सामने आया है और ये करप्शन का मामला इस तरह का है कि एक करप्ट अधिकारी के जब घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंचती है तो अपने आप को वो अधिकारी कैद कर लेता है और फिर घर में रखे हुए करप्शन से जो कमाई की हुई थी 15 से 20 लाख रुपये वो उसने जला दिए। यही नहीं, वो जो जब जला रहा था तो उसकी एंटी करप्शन ब्यूरो के जो अधिकारी हैं उन्होंने वीडियो बना ली और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल किया जा रहा है। खोल दो ना गेट, मेरे को ये आग लगा रहा है अंदर। ये देखो, ये बच्चे अंदर परेशान हो रहे हैं। ये मैडम है, मैडम ये बात अच्छी नहीं है इनकी, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। ये आप कम से कम, आप तो एक लेडी जो, ये हरकत ठीक नहीं है, आपको समझना चाहिए थोड़ा बहुत। दरअसल ये मामला है सिरोही जिला के पिंडवाड़ा का है और पिंडवाड़ा का जो तहसीलदार है कल्पेश जैन, उसके घर पर बुधवार को एक रेड मारी गई थी एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से। उससे पहले वो जो तहसीलदार है उसके ही विभाग के अंदर, उसी के ही कार्यालय के अंदर राजस्व इंस्पेक्टर हैं एक पर्वत सिंह, उसको गिरफ्तार किया था 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ। और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो जो रुपए हैं वो तहसीलदार कल्पेश जैन को देने थे। तो उसके बाद पूरी टीम कल्पेश जैन के घर पर पहुंची, लेकिन जब उसको पता लगा कि बाहर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है तो उसने घर को लॉक लगा लिया और फिर अंदर अपने किचन के अंदर जो पैसे हैं उनको जलाना शुरू कर दिया। एक शख्स ने वो वीडियो उसकी बना ली और उसको रोकने का भी प्रयास किया लेकिन वो नहीं रुका। वहीं उसकी जो करप्ट अधिकारी है तहसीलदार कल्पेश जैन, उसकी पत्नी भी उस जब वो नोट जला रहा था तो उसमें उसकी मदद की जा रही थी। वो जो वीडियो है वो आप भी देखिए, किस तरह से वो पैसे जला रहा है, किस तरह से बच्चे जो घर में थे वो चिल्ला रहे हैं। खोल दो ना गेट, मेरे को ये आग लगा रहा है अंदर। ये देखो, ये बच्चे अंदर परेशान हो रहे हैं। ये मैडम है, मैडम ये बात अच्छी नहीं है इनकी, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। ये आप कम से कम, आप तो एक लेडी जो, ये हरकत ठीक नहीं है, आपको समझना चाहिए थोड़ा बहुत। दरअसल आंवला की छाल का ठेका देने के नाम पर जो कल्पेश जैन है वो 1 लाख रुपए की मांग उसने की थी ठेकेदार से, और जो राजस्व इंस्पेक्टर है पर्वत सिंह उसके माध्यम से वो 1 लाख रुपए वो ले रहा था और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को सूचना दे दी गई थी उससे पहले ही, और 1 लाख रुपए के साथ पर्वत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। और उसके बाद जब उसने बताया कि ये जो पैसे हैं वो जो उन्होंने लिए हैं वो जो तहसीलदार हैं कल्पेश जैन उनको देने हैं, तो उसके बाद जो टीम ने जो अपनी जो पूरी कार्रवाई का रुख है वो तहसीलदार की तरफ मोड़ दिया और इस तरह से वो जब उनके घर पर पहुंचे तो ये घटना इस तरह से अंजाम दी गई। हालांकि बाद में स्थानीय पुलिस को बुलाया गया और बाद में जो लॉक खुलवाया गया और जांच की गई तो करीब 1.5 लाख रुपये और कल्पेश जैन के घर मिले हैं और अब फिलहाल कल्पेश जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके खिलाफ आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो ये करप्शन का इस तरह का मामला है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पुनिया।